गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग वेलकम टू तो माय यूट्यूब चैनल तरुण जसवाल टी ब्लॉगर तो so गाइस आज हम लखनऊ में आए हैं हमारी कानपुर टीम एशियन पेंट पूरा रीजन आया एटली कानपुर टीम ही नहीं। तो बेसिकली कानपुर टीम इन्विटेशन और बाकी रीजन का इन्विटेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि एशियन पेंट में टी एस सी एस एस सी एम आर एम सब लिए ऐप लॉन्च हो रही है जो कि नाम है टैप ऐप ये ऐप बेसिकली हमारी टी एस सी एप प्रोडक्टिविटी के लिए है जिससे कि हम लोग और एशियन पेंट्स का डीलर के साथ कैसे उनका बिजनेस बढ़ा सके तो आज इसी ऐप की लॉन्चिंग में हम लोग आए हैं देखते हैं इस ऐप में क्या क्या हम लोग सीखने मिला है और आप सबके साथ शेयर करूँगे इस ऐप में क्या क्या फ़ीचर्स हैं तो डैट जो टी एस सी मिस आउट कर चुके हैं ये सेशन उनको एक हेल्प मिलेगी बाकी ये हमारा एक वेन्यू है नवोटो होटल जो विराजखंड में है जैसे कि आप लोकेशन देख सकते हैं मैग से और बेसिकली यहाँ पर मुझे आप सबका मकसद ये है कि आपको साथ रूबरू हूँ सारी चीज़ें बताऊँ कैसा यहाँ पर हो रहा है और होटल को भी व्यू करते हैं और ट्रेनिंग सेशन भी दिखाते हैं क्या क्या चल रहा है टिल दैट टाइम मेरी वीडियो को इंजॉय करते रहे और आगे तक देखते हैं और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे टिल दैट टाइम चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या हो रहा है और लंच टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ सो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करें लाइक करें ठीक है चलते आगे वीडियो में Guys, कैसे हैं आप सब channel, स्वागत है, मेरे पे. और ये वीडियो बहुत ही है सारे न्यू कमर्स लोग के लिए कैंडिडेट्स आना चाहते हैं एशियन पेंट साथ ही साथ जो अपकमिंग ऑलरेडी हैं और जो प्रोसेस में है जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनको तो पहले बेस्ट ऑफ लक अपने आगे की फ्यूचर जर्नी के लिए और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एशियन पेंट्स की न्यू ऐप लॉन्च के बारे में जो कि नाम है टी ए पी टैप टैप ऐप नाम से है एशियन पेंट की ऐप जिस इस वीडियो में आपको कवर करूंगा क्या इसमें कोई ट्रैकर है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है इसमें और क्या फीचर अच्छा है जो आप लोगों को हेल्प कर सकता है तो इस वीडियो में सारी चीज कवर होगा वीडियो को फुल देखे और आगे की वीडियो को एंजॉय करें और चलते हैं मेन पार्ट में कि इस ऐप में क्या चीज अच्छी है नेक्स्ट टाइम धक so, धक हो रहा धक कि कहीं ऐप ऐसा तो नहीं कोई ट्रैकर लगाओ और हमने कोई काम ना कर रहे हो तो पता चल जाए मैनेजर को तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके साथ शेयर करने का यार ऐसा कोई ट्रैकर वैकर नहीं चिल करो ये एक ऐप बेसिकली टैप ऐप नाम से लॉन्च हुई है एशियन पेंट की टै, टैप मतलब क्या है कंपनी ने क्या सोच के ये नाम रखा है टैप ऐप टैप क्या बेसिकली टी से टी है ए से ऐप है और पी से प्रोडक्टिविटी है तो टी एस सी एप फॉर प्रोडक्टिविटी इनका मकसद बिल्कुल ऐप लॉन्च करने के यही है कि एक अपने टीएससी जो मार्केट में जा रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सके कैसे पुश कर सके अगर वो जा रहा है मार्केट में उसको हम और कैसे बढ़ावा दे सके कि अपनी ग्रोथ कैसे कर सके जब टीएससी ग्रोथ करेगा तो एसएससी ग्रोथ करेगा एसएससी ग्रोथ करेगा तो एम ग्रोथ करेगा एम ग्रोथ करेगा तो डिपो ग्रोथ करेगा तो जब डिपो ग्रोथ होगा तो पूरा एशियन पेंट का रीजन ग्रोथ होगा उस रीजन से पूरा कंट्री ग्रोथ होगा तो ये बिल्कुल साइकिल बिल्कुल सिंपल है जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है तो इस ऐप के लॉन्चिंग के लिए हम लोग गए थे सबसे पहले कानपुर कानपुर से कानपुर सॉरी ऑफिस है कानपुर से हम लोग की लखनऊ में ऐप लॉन्चिंग थी नोवोटो होटल में तो उस ऐप लॉन्चिंग में हम सब आ रहे सारे रीजन कानपुर गोरखपुर अलाहाबाद बनारस जितने भी रीजन के थे अपने यूपी के वो सब गए थे साथ में हमारे ए सारे थे और आर नहीं आ पाए थे उस लॉन्चिंग में तो इस ऐप लॉन्चिंग में वहां सारा चीज बताया गया जो मैं आपको यहाँ समराइज सम्राइज हुए बताऊंगा और गाइस कोई ट्रैकर नहीं लगा फिर से बता दूं कोई डरने वाली बात नहीं है कि ट्रैकर लगा है बहुत से सो लोग सोच रहे हैं ट्रैकर लगा था तो काम नहीं कर पाएंगे ये कोई दिक्कत नहीं ट्रैकर वैकर कुछ नहीं है मैं आपको बता दूं ट्रैकर कुछ नहीं है ठीक है ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सीरियस हूँ अब स्टार्ट करता हूँ उसमें क्या क्या फीचर्स है ये ऐप जब आप ओपन करोगे तो एक टी ए पी टैप करके नाम से ओपन होगा इसमें लॉग इन आप अपने क्रिडेंशियल डाल देना आई पासवर्ड डाल देना देन उसके अंदर आपका सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट है अकाउंट सेक्शन अकाउंट सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे अकाउंट सेक्शन इसलिए दिया गया है समटाइम जब हम डीलर पर विजिट करते हैं तो हम लोग को अपना लैपटॉप उसकी हिस्ट्री जोग्रफी लेके रखना पड़ता था कि किसने कितना क्या सेक्शन किया है उसका ओडी में कितना अकाउंट है कितना और उसके आउटसेंडिंग बढ़ रही है या कोई ट्रिप की स्कीम या उड़ान की स्कीम या सी पी स्कीम लॉयल्टी प्रोग्राम डिस्कस करना होता है तो हमें थोड़ा डेटा चाहिए होता है तो ये सारा डेटा मैनेज नहीं कर पाते हम लोग को ऐप हम लोग को नेटवर्क की जरूरत पड़ती है सेप की जरूरत पड़ती है तो वो सारी चीजें एक सब कुछ इसमें ऐप के अंदर डाल दिया गया है सो आ करके कि अगर आप अकाउंट सेक्शन खोलोगे तो आपको उस ऐप उस उस डीलर की पर्टिकुलर की जैसे एक मान लो एक मेरा डीलर है सुंदरी पेंट्स ठीक है सुंदरी पेंट्स की हिस्ट्री जोग्राफी होगी सारा दिखा देगा उसने कितना ओडी है कितना माल उठाता है कितना उसका पेमेंट है कितना उसमें पेमेंट लगा दिया है कितना नेक्स्ट सेवें डेज पर ड्यू है क्या कितना ऑर्डर है ये सारी चीज आपको उस अकाउंट सेक्शन में मिल जाएगी ये ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए बहुत हेल्प मिलती है हम लोगों को कि किसी भी डीलर को गाइड करने के, के लिए सर आपको ऑलरेडी इतनी लिमिट बढ़ चुकी है तो आप थोड़ा पेमेंट लगा दें या डीलर को पता चलता रहता है कि हाँ मेरा बजट इतना ऊपर जा रहा है तो अभी और पैसा लगा के और ऑर्डर लेना तो सब कुछ एक डिस्कशन के लिए एक वैलिड पॉइंट मिल जाता है हम लोग को बात करने के लिए साथ ही साथ इसमें हमारा लाइव ऑर्डर भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर समय पर क्या 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 ऑर्डर कितना एसक्यू लेवल पर प्रेजेंट है किस किस डिपो में पहले हम लोगों को अपनी स्टॉक रिपोर्ट खोलनी पड़ती थी कि ये मान लीजिए एक एपेक्स है कि ये अगर हमारे पास खत्म हो गया है, तो बाकी जगह कहां पड़ा है तो उसके लिए ऐप लैप, लैपटॉप खोलना पड़ता था एक्सेल खोलनी पड़ती थी सर्च करना पड़ता था नॉर्मली इस ऐप में क्या है आप गए मेन्यू सेक्शन में नीचे ऑर्डर देखा लाइव ऑर्डर पे क्लिक किया उसमें आपने सर्च किया एपेक्स डबल तो सर्च करके दिखा देगा क्या सर कौन सा शेड कोड चाहिए पे कितने प्रेजेंट है वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा फिर उसके थ्रू इस ऐप में एक और इंटरकनेक्टेड पॉइंट है कि हम लोग वहाँ पर डायरेक्टली आई कर सकते हैं पहले हम लोग आई बी करते थे कि हम लोग पूरा मेल करते थे कि ये आई बी ये प्रोडक्ट इस डिपो से यहाँ चाहिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा वो पूरा मेल एक टाइपिंग प्रोसीजर प्रोसीजर था लेकिन अब हम लोग इस ऐप के थ्रू डायरेक्टली हम लोग अपना आईडी में टाइप करते हैं और उसमें नॉर्मल आईडी में जाके उस एसक्यू लेवल पे क्लिक करते हैं और रिक्वेस्ट करके जिस जिपो में चाहिए उस एम के पास रिक्वेस्ट चली जाती है और वो आई पास हो जाती है तो ये एक अपने जानने के तो अपने सीनियर टीएससी या एसएससी से आप पूछ सकते हैं तो इसके बाद चलते हैं आगे एक इंपॉर्टेंट फीचर में सबको डीलर कराओगे ना हमारे लिए इसके अंदर क्या है इंसेंटिव मैनेज करने का अगर किसी क्वार्टर में किसी टी का बनता है तो वो उसको नॉर्मली ट्रैक करना पड़ता था ऑनलाइन से लेकिन अब इस ऐप में भी हम लोग टीएससी ऐप में टैप ऐप में देख सकते हैं कि हमारा इंसेंटिव कितना बना है क्वार्टर वाइज आईसी वाइज तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो बहुत ही टी को ये अच्छा लगा है और उसने अच्छा फीडबैक दिया है दूसरा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सब डर रहे थे जी हाँ वो है वो है विजिट एग्जीक्यूशन कुछ इतना ऐसा वाला नहीं है कि बहुत ऐसा कुछ होगा कि दो टीपी इसमें क्या है अगर जैसे मान लीजिए मैं कोई जाता हूँ जिल, जिल जिला एक जगह कोई जगह नहीं मैंने एक, एक कर लिया मैं अपनी मैं अपना टाउन नहीं बताऊंगा जैसे एक जिलजिला है वहां मेरे दस डीलर है तो पहले नॉर्मली मैं जाता था दस डीलर के पास जाके अपनी विजिट करता था उनसे बात करता था स्कीम कम्युनिकेट प्रेजेंट करता था और मैनुअली एक डी एस साइन कराता था कि डैट कोई इशू हो तो इसमें लिख दिए और साइन करके एक अटेंडेंस लेता था कंपनी ने कहा कि अगर आप मान लीजिए कोई टाउन जा रहे हैं जैसे मेरा लाइक एक जिलजिला है वहां पे मेरे दस डीलर है तो मुझे मॉर्निंग जब निकलता हूं तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली उन दस डीलरों को अपने लिस्ट में ऐड कर देता हूँ कि ये इस इस लोकेशन में दस डीलर पे जाऊंगा ये ऐड नोट टिक टिक कर लिया है और वहाँ पे जैसे ही मैं जब जाता हूँ जैसे मैंने एक काउंटर ए पे गया तो काउंटर ए पे मैंने अपनी स्टार्ट स्टार्ट कर दी जर्नी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेशन कंपनी का मकसद है डुरेशन देखना कितने समय तक उस काउंटर पे आप थे उससे कोई मतलब नहीं आप कितने बजे गए थे वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है ऐसा कंपनी ने बोला है मे भी हो सकता हो कंपनी के बैग से हो रहा हो कितना रिकॉर्ड है मे भी हमको लगता है कि कर रही हो वो आप नए फीचर बात बनाए लेकिन टिल दैट ले टाइम ऐसा अभी कोई फीचर नहीं है कि किस ड्यूरेशन में आपका कितना है तो नॉर्मली अगर हम जाते हैं किस तो कंपनी इनकाउंटर करती कितने ड्यूरेशन वो मिनट स्टार्ट हो जाता है ड्यूरेशन का अब उस काउंटर पे कितना समय दे रहे हो उस पर कितना आप बात करो मे बी वो चेक करना चाहती हूँ इंपॉर्टेंस कितना समय दे रहे हो तो वो नोट करता है और आपको जैसे एंड करने से पहले आपको कुछ दो टास्क होते हैं मैंडेटरी में कि आपको ये फिल कर देने क्या क्या डिस्कशन किया है काउंटर्स होते हैं वन टू थ्री करके टिक करना आपको और फिर इसमें एक ऑप्शन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपका ऑप्शन आता है तीन ऑप्शन ऑल डी एस सी ओके जिसमें लिख के आता है अगर आप क्लिक करोगे तो डीलर के पास ओटीपी जाएगा ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कुछ डीएससी को लेकिन है तो है लेकिन मैंने इसको कैसे टैकल किया है अपने मैं सेट ऑफ डीलर पे जाके बोलता हूँ पहले मैं नॉर्मली आपसे साइन कराता था अब कंपनी ने सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है तो इसमें आपको क्या रहेगा एक साथ अगर सब कुछ सही है तो आपको एक आएगा जो कि आप मुझे शेयर करना है तो मैं उनसे बोलता रहा इशू नहीं है अगर आपको लगता है कुछ इशू है तो उसका भी दूसरा मैं आपको पॉइंट बताऊंगा तो टेल लेटर उसमें लिख के आएगा दैट जैसवाल आया था टूर काउंटर कैनली शेयर द दीपी थिंग इज करेक्ट इफ एवरीथिंग इज करेक्ट ये लाइन भी लोगों को अच्छी नहीं लगी लेकिन थी जो कंपनी ने बोला है में भी उसको चेंज करते कर तो जर्नी एंड हो जाएगी आपकी वहां की पर्टल काउंटर पर अलावा क्या है एक ऑप्शन है, मतलब है तो शेड कार्ड पेंडिंग है सी पेंडिंग है तो उसमें आप से फिल करके ओके कर सकते हो उसमें ओटीपी नहीं जाएगा तो बहुत से केस से हो सकता है इसका भी फायदा उठाए ये यूज कर फिर तीसरा ऑप्शन इसके अंदर आता है बाईपास बायपास क्या ऑप्शन है जैसे कि कभी डीलर शॉप डीलर शॉप पे नहीं है या स्टाफ बॉय है या कोई ऐसा है जो बंदा नहीं कर पा रहा है तो वो उसमें वो जाके क्लिक कर देगा उस पर भी ओटीपी नहीं जाएगा तो बहुत से लोग तो ये भी यूज करेंगे लेकिन देखिए जो काम करेगा उसके लिए इश्यू नहीं जो काम नहीं करेगा चोरी करेगा उसके लिए इशू है तो उसको डिसएडवांटेज मिलेगा कि कहीं घर बैठे बैठे कर ले थर्ड पॉइंट का यूज कर ले और कर ले और तीसरी चीज के इंपॉर्टेंट क्या है नए लोगों के लिए क्या ये सब नए लोग सुन लो इस ऐप को आपको ही चलाना है मैं तो चला ही रहा हूँ साथ साथ आपको इसमें आपको आपको मैप का फीचर मिल जाएगा पहले आपको पूछना पड़ता था ये डीलर है क्या ढूंढना पड़ता था इसमें क्या है अब कंट्री कोई मार्केट जिसकी है तो उसमें मैप का ऑप्शन दिया है मैप पे क्लिक करके आप उसकी पर्टिकुलर ऑनलाइन लोकेशन आप ढूंढ सकते हो वो डीलर कहाँ पे है तो इससे फायदा क्या है आपको भटकना नहीं पड़ेगा तीसरी चीज इसमें आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत अच्छी मिलेगी अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो इस ऐप में आप सर्च करके नॉलेज गेन कर सकते हैं हर एक चीज सर एपेक्स का क्या है एपेक्स के बेस कितने कोड क्या है शाइन क्या है ये सारी चीज है और इसमें सेल्स बजट भी इसमें इस ऐप में और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बस मेरा काम तो आपको ओवरव्यू करना है इस ऐप में क्या है और इस ऐप में क्या क्या बेनिफिट है कोई ऐसा रिटर्न वाली बात नहीं है कि कोई ट्रैकर कोई जीपीएस नहीं है नॉर्मल जीपीएस बंद हो गया ऐप चलती है बस ड्यूरेशन नोट करती है कि आप कितना समय दे रहे हो बस इतना ही है इतना नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा होगा मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ मुझे बहुत खुशी है और ये ऐप भी बहुत चलाने में अच्छा लग रहा है कोई इतना हाई लेवल का वो कोई इशू नहीं है मैं डीलर के विजिट करता हूँ जाके नॉर्मल ओ लेता हूँ और कोई इशू रहता है रेस करता हूँ कोई ऐसा ट्रैकर वैकर नहीं है मे भी अगर ट्रैकर होगा आगे चल के पता चलेगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा टिल डाइट टाइम अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि कुछ मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और ज़रा सा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें और जो बेस्ट कॉमेंट वाले में होगा कोशिश करूंगा अपने फ्रेंड्स और अपने आचार के थ्रू कि उनको मैं रेफरल दे सकूं और अच्छे कमेंट वाले को मैं एक रेफरल दूंगा जिसका डायरेक्टली एशियन पेंट में हो सकता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए तो बेस्ट कमेंट और बेस्ट शेयर वालों को और जो भी गुड न्यूज होगी वो आप सबके साथ शेयर करूंगा और गाइज एक इंपॉर्टेंट न्यूज कह रहे हैं कुछ मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहते थे वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में अभी देखो को रात हो गई है तो वीडियो मैं अब अप, नहीं बनाऊंगा थक गया थोड़ा तो रेस्ट करूंगा कल मैं वीडियो बनाऊंगा और आप सबके साथ शेयर करूंगा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप कवर कर लो और आपका इंटरव्यू टैकल हो जाए तो लेट टाइम गुड नाइट एवरी और मेरी वीडियो को देखते रहें और इन्जॉय करें बाय बाय